नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, द थ्री वर्टाइसिस ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर आर 3.4, -2.3 एंड -3, -2. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स? तो देखो हमें तीन वर्टेक्स गिवन है रोम्बस के, ठीक है, और हमें फोर्थ वर्टेक्स बताना है. तो देखो ये रोम्बस है, तो इसमें मान लो ए बी और सी डी, ठीक है, ये चार वर्टेक्स हैं. जो ए वर्टेक्स है वो है अपने पास 3.4, और जो बी वर्टेक्स है वो है अपने पास -2.3, एंड जो सी वर्टेक्स है वो है -3, -2. हमें डी बताना है. सो डी को हम अज्यूम कर लेंगे कि एक्स कॉमा वाई है, ठीक है. सो देखो एक रोम्बस है, ठीक है, सो वी कैन राइट सिंस ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है. सो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो फोर साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है. सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है. या इसे बी सी कर लो, कुछ भी, ठीक. मीन्स ए बी इज इक्वल बी सी, एंड बी सी इज इक्वल सी डी, एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है. ये तो हमें कहाँ से मिला, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस होती है, ठीक. सो देखो इसमें से हम लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल सॉरी डी सी इक्वल टू ए डी होगा, ठीक है. सो वी कैन राइट कि डी सी विल बी इक्वल टू ए डी, ठीक है. अब देखो डी सी की लेंथ कितनी होगी वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर निकाल लेंगे. सो ये अपने पास डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है. सो अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो उसकी लेंथ आएगी अपने पास, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन. सो ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो आ जाएगा वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए डी. नाउ ए डी है ये दिस, ठीक है. सो वी कैन राइट ए डी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर. देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है. तो अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर. तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे हम, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो हम इसे ब्रेक करेंगे, सो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, ठीक है. सिमिलरली हम वाई प्लस टू का भी ब्रेक करेंगे, सो वी गेट वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है. एंड वाई माइनस फोर का भी स्क्वायर ब्रेक करेंगे, सो वी गेट वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एंड माइनस एट एक्स. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये अपने पास आ जाएगा सिक्स एक्स, और इस माइनस सिक्स एक्स को इधर लेकर आएंगे, सो ये हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स, ठीक है, एंड प्लस फोर वाई माइनस सॉरी ये वाई आएगा सॉरी, ठीक है. देखो माइनस एट वाई को इधर लेकर आएंगे, सो ये हो जाएगा प्लस एट वाई, एंड नाइन प्लस फोर होगा थर्टीन, एंड ओके, ठीक है, एंड इक्वल टू नाइन प्लस सिक्सटीन, ये हो जाएगा 25. तो अपने पास आ जाएगा 12x प्लस 12y इक्वल टू 25 माइनस 13, ये होगा 12, ठीक है. सो 12 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, सो अपने पास आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1. सो टेक इट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. अब देखो हमने अभी लिया था कि डी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है. अब नाउ बी सी भी डी सी के इक्वल है, ठीक है. तो वी कैन राइट कि बी सी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है. अब देखो
बीसी के पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट है -2.3 एंड सी का है -3.-2। सो इसका डिस्टेंस निकालें बीसी, सो ये अपने पास आएगा अंडर रूट -2+3 का होल स्क्वायर एंड 3+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर -2+3 का होल स्क्वायर प्लस, एक बार चेक करते हैं, या -2+3 एंड 3+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी। ठीक है, अब देखो बीसी अपने पास ही है। ठीक है, अभी हमने किया था x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, सो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट बीसी को x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। क्लियरली, ठीक है, सो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, -2+3 कितना होगा, ये होगा +1 एंड 1 का स्क्वायर आएगा 1 एंड 3+2 होगा 5 एंड 5 का स्क्वायर आएगा 25 इक्वल टू x+3 का स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है कि x+y=1 है 1। ठीक है, तो y=, हम यहां से लिख सकते हैं कि y=1-x। ठीक है, सो इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1-x, तो अपने पास आ जाएगा ये 26 इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1-x+2 का होल स्क्वायर। सो अपने पास आ जाएगा 26 इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर प्लस ये 1+2 हो जाएगा 3 एंड -x का स्क्वायर। सो 26 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे सो वी गेट x² + 9 +6x एंड इसका भी ब्रेक करेंगे सो वी गेट 9+x² एंड -6x। ठीक है, सो माइनस से +6x कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 26 इज इक्वल टू 2x² + 18। ठीक है, सो यहां से हमें मिल जाएगा 2x² इज इक्वल टू 26-18 जो कि आएगा अपने पास 8। सो x² इक्वल टू वी गेट 4 एंड x इक्वल टू +-2। नाउ हमने y इक्वल टू लिया था 1-x। ठीक है, सो अगर हम इसमें पुट करेंगे x=2। ठीक है, तो y=2 अपने पास आ जाएगा 1-2 कितना होगा -1 एंड अगर हम इसमें पुट करेंगे x=-2 सो अपने पास आ जाएगा y=1 एंड -2 माइनस प्लस हो जाएगा सो वी गेट 3। सो अपने पास दो पॉइंट आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, एक आ जाएगा 2-1 एंड एक आ जाएगा अपने पास -2.3। अब देखो इसमें से एक सेटिस्फाई करेगा और एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो -2.3, अगर हम यहाँ पे -2.3 रखते हैं, ठीक है, तो और इसका डिस्टेंस निकालते हैं, देखो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि बीसी का डिस्टेंस कितना आ रहा है अंडर रूट 26, तो जो ऑल फोर साइड्स होंगी वो इक्वल टू किसके होंगी अंडर रूट 26। तो अगर हम इसमें -2.3 रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा अपने पास -2 एंड -3 का होल स्क्वायर एंड +4-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे रख के देखेंगे सो ये आ जाएगा अंडर रूट -2 एंड -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें रख के देखो ये कौन सी साइड है डीसी, तो डीसी है अपने पास दिस, तो इसमें अगर x=-2 रखेंगे सो ये आ जाएगा अपने पास -2+3 एंड y=, अगर 3 रखेंगे सो ये आ जाएगा 3+2 का होल स्क्वायर। ओके, देखो मैं इसमें सेटिस्फाई कर रहे थे तो ये सेटिस्फाई तो करा, लेकिन मैं भूल गए थे कि देखो बी अपने पास जो पॉइंट गिवन है वो ऑलरेडी -2.3 है, सो ये पॉइंट तो अपने पास हो नहीं सकता -2.3। ठीक है, सो जो अपने पास पे नेक्स्ट जो बचेगा वो होगा 2-1। ठीक है, सो x, y = होगा अपने पास
2, -1, ठीक है, दिस इज द आंसर।